देखिए, हम योगी मोदी के गुलाम नहीं हैं। हाँ, देश लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र का गला क्यों घोट रही है सरकार? 8 सालों में समझ चुके होंगे ये सिर्फ देश को जलाने का काम करने की सरकार है, तो इसलिए आपस में भाईचारा कायम रखें। हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, सभी ऊपर वाले के बने हुए हैं। जातियां दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। सरकार तो जलाने का काम करे, सरकार वहां पे शांति बनाने का काम नहीं करेगी। वो तब इन्होंने खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री जी हर तीसरे दिन नए नए वो लाते थे, उनमें हर में इंडिया था। तब इनको वो आतंकवादी संगठन याद नहीं आए? अभी बोखला क्यों गए? अगर सारा विपक्ष एक हो के आवाज़ उठा रहा है तो देश हित में उठा रहा होगा ना, तो अभी इनको तकलीफ क्यों हो रही है? बोखला क्यों रहे हैं? देश कब तक गुलामी झेलेगा? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश जी, जो कि देश में तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं और तमाम टीवी पत्रकार जो हैं इनको आंदोलन जीवी कहते हैं, क्योंकि ये सरकार को घेरने का काम करती हैं और जो भी मुद्दे होते हैं उस पर बात करती हैं। क्या कहेंगी, जिस तरीके से एक RPF के जवान ने ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दिया और साफ तौर पर कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी का नाम लेना पड़ेगा, उसे वोट देना पड़ेगा। देखिए, हम योगी मोदी के गुलाम नहीं हैं। अगर भारत लोकतंत्र देश है तो हमने अपने वोट देके उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना है योगी जी को, तो ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कौन मोदी को वोट दे या कौन योगी को वोट दे। हम अपने आज़ाद भारत है तो हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से वोट देंगे। मैं कहती हूँ कि मैं मोदी को वोट नहीं दूंगी, मैं कहती हूँ मैं योगी को वोट नहीं दूंगी, तो क्या गोली से मरवा देंगे? ये लोग, जब एक सुरक्षा कर्मी जो जनता की सुरक्षा में तैनात किया गया है वो जब जनता की जान ले कि सत्ता के लिए, तो फिर ये किस प्रकार की मानसिकता दर्शाता है? जल्द से जल्द उसकी जांच होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जो सुरक्षा में था तो लोगों के मन में एक डर पैदा करने के लिए, इसका मतलब हम अपने जो सिक्योरिटी में हमारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी देखिए 3 भाई खड़े हैं पुलिस वाले, ये तो हो सकता है ये भी अभी गोली चला दे। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं मोदी को वोट नहीं दूंगी, तो इसका मतलब ये भी घुमा के मेरी तरफ चला देंगे, तो कहाँ देश लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र का गला क्यों घोट रही है सरकार? सरकार क्या चाहती है कि ऐसे डरा के लोगों को, धमका के लोगों के दिलों में डर पैदा करके? आखिर ट्रेन में जो यात्री बैठे थे उनकी क्या गलती थी? कौन जिम्मेवार है उनका? जो 3 यात्रियों की जान गई है उसका जिम्मेवार कौन है? और फिर बयान आता है सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से, कि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं था। अगर वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं था तो उसके हाथ में बंदूक किसने दी? उसको तैनात क्यों किया और क्यों उसके हाथ में बंदूक दी? तो जिन्होंने बंदूक दी और उनको पता था कि ये दिमागी तौर पे सही नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन उनके सीनियर अधिकारी इसमें शामिल है? एक इंक्वायरी होनी चाहिए, देश को बताना चाहिए कि इसमें कौन कौन इसमें मिले हुए थे। हाल ही में खबर आ रही है कि जो है हरियाणा में मस्जिदों को जलाए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जलाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहूँगी कि ये अफवाहें फैलाई जा रहे हैं जानबूझ के, इनका धारा 144 लगा दी गई, धारा 144 लगी हुई है, नू में लगी हुई है। मैं ये कहूँगी कि जानबूझ के लोगों में एक खौफ पैदा करने के लिए, देशवासियों से, जैसे अभी आपने बोला कि वो जला दी गई है, वो सच नहीं है, वो सिर्फ दूसरे धर्म को लोगों को उकसाने के लिए। तो इसलिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ कि ये जो व्हाट्सएप पे आते हैं आप इन पे अफवाहों पे ध्यान ना दें, अफवाहों पे हरियाणा को जो है बनाए रखें, क्योंकि आप जब जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं देश में, चाहे पुलवामा हुआ, आप जब इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी इलेक्शन नज़दीक होते हैं, या पुलवामा हुआ, उससे पहले उरी वाला हुआ, या तो बॉर्डर पे कुछ होगा, हादसे होंगे बहुत बड़े, या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, जिसमें लोग बहुत जल्दी से उससे प्रभावित होते हैं। कई लोग दिल से धर्म को बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो धर्म के नाम पे भड़का दो ताकि दंगे फसाद करा दो। IT सेल झूठी अफवाहें बना बना के कि फलानी जगह इतने वो कर दिया, वहाँ जला दिया, ताकि दूसरे धर्म वाले सुनेंगे, उनका खून खोल उठेगा, अरे हमारे वो जला दिया तो मैं उनका जला के आता हूँ। इसलिए मैं पूरे देश से अपील करती हूँ कि आप तक तो 8 सालों में समझ चुके होंगे ये सिर्फ देश को जलाने का काम करने की सरकार है, तो इसलिए आपस में भाईचारा कायम रखें। हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, सभी ऊपर वाले के बने हुए हैं। जातियां दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, तो इसलिए जातियों में ना बटके, धर्म में ना बटके, इंसानियत बनाते हुए, भाईचारा निभाते हुए अपना देश को बचाना है, अपने राज्यों को बचाना है बेटा। तो क्या जो हरियाणा में जो कुछ भी खबरें आई वो मणिपुर Part 2 बनाने की कोशिश की जा रही है? अभी हरियाणा जाग चुका है, हरियाणा मणिपुर 2 बनने नहीं देगा।
हरियाणा के लोगों ने देख लिया 2016 में भी क्या क्या हुआ था, आज तक बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। तो हरियाणा के लोग जाग चुके हैं, माताएं बहनें जाग चुकी हैं, जो नहीं जागे हैं मैं उनसे अपील करूंगी कि एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हरियाणा के जो हमारे पंचायती लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जाएं मेवात में शांति बहाल कराएं। सरकार तो जलाने का काम करे, सरकार वहां पे शांति बनाने का काम नहीं करेगी। वो जानबूझ के लोगों को, उनके IT सेल इतना ताकतवर बना रखा उन्होंने कि झूठी अफवाह को इतना जल्दी वायरल करता और लोग घरों में जो लोग बैठे हैं वो उस खबर को सच मान लेते हैं। तो इसलिए सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि जो नफरत का जहर घोल रहे हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो कुछ चैनल, और या चाहे वो यूट्यूब पे कोई चैनल हो ऐसे, और या व्हाट्सएप पे हो, भरोसा ना करें, शांति बनाए रखें, क्योंकि 2024 नज़दीक है। कुछ लोगों को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, उसके लिए वो सोचते कि जान जाए तो जाए, नेताओं की किसी की जान नहीं जाती, आम इंसान मरता है, चाहे वो इस धर्म का मरे, चाहे इस धर्म का मरे, चाहे इस जाति का मरे, इस जाति का बेटा तो माँ ही होती है ना, आम जनता माँ को तो तकलीफ, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो इस धर्म वाले की हो चाहे उस धर्म वाले की हो। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें, अपने राज्यों को, अपने देश को बर्बाद होने से बचाना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। हाल में जो विपक्ष ने गठबंधन किया, अपना नाम इंडिया रख लिया गठबंधन का, उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आता है कि PFI में इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, और इस इंडिया कंपनी में भी इंडिया आता है, तो नाम इंडिया रखने से नियत नहीं बदलती है। तब इन्होंने खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री जी हर तीसरे दिन नए नए वो लाते थे, उनमें हर में इंडिया था, तब इनको वो आतंकवादी संगठन याद नहीं आए। अभी बोखला क्यों गए? अगर सारा विपक्ष एक हो के आवाज़ उठा रहा है तो देश हित में उठा रहा होगा ना, तो अब इनको तकलीफ क्यों हो रही है, बोखला क्यों रहे हैं? देश कब तक गुलामी झेलेगा? देश गुलाम कितने दिन तक रहेगा? भरोसा था लोगों को कि नहीं नहीं भाई, क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा था देश सच मान रहा था। अभी लोगों के समझ में आने लगा ना कि भाई मीडिया तो दिखा ही नहीं रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा। गैस सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, लोगों को खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, घर में युवा बच्चे बेचारे इतने मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करके घर बैठे नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनकी माओं को पता नहीं, उनके बाप दादाओं को पता नहीं कि सरकार TV पे दिखा क्या रही है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, TV मीडिया जो है वो कह रहा है कि कितने पत्थरबाज, कब होगा इनका परमानेंट इलाज, सवाल पूछ रही है TV मीडिया। पत्थर कौन उठवा रहा है? कल एक वीडियो देखा होगा जो गाड़ियों में पहले से पत्थर भर के ले जा रहे थे। आप किसी को वहाँ कहोगे कि मैं आ रहा हूँ मेवात में, तुम्हारा मतलब जीजा आ रहा है, तुम्हारा बटे हुआ आ रहा है कि मतलब मालाओं को तैयारी कर लो, उकसाने का काम कौन कर रहा है? सरकार को कार्रवाई करने तो उन लोगों पे करें जो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, और फिर वहाँ खुद तो पहुँचते नहीं, दूसरे लोगों को पहुँचा के उनको आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए जागना होगा, लोगों को देखना होगा, माओं को भी अपील करती हूँ कि अपने जो युवा बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनको समझाना होगा कि आप जाति धर्म कुछ नहीं है, सब एक हैं, हम स्त्री पुरुष दो ही जाति हैं। और दावा तो कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। देखिए दावा तो इनके हमेशा ये झूठे दावे रहते हैं, ये EVM में घोटाला कर करके बनते हैं, लेकिन अगर EVM से इलेक्शन नहीं हुआ तो इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। अगर इनमें इतना दम है, ये चाहते हैं कि 400 से पार लाना चाहते हैं, तो इसे बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दो। जनता भी यही है, हम भी यही है, ये भी यही है, देख लेंगे किसमें कितना है दम। ठीक है, तो आपने सुना इनको कि साफ तौर पर जो है जनता मन बना चुकी है 2024 के लिए क्या कुछ होगा, ये आप भी ज़रूर सोचिए और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।